यू गाइस वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो हमने जहाँ से शुरू किया था बल्किंग की आर्क कंपटीशन से पहले, हम लोग फिर से वही फेस पे पहुँच चुके हैं। 77.9 मतलब 78 का राउंड वेट हो चुका है, तो दिस इज़ अ गुड साइन कि हमारी बल्किंग अच्छी डायरेक्शन में जा रही है। डे का जो लेग डे था उस बहुत ही इंटेंस था और उसकी सोरनेस आज तक है भाई, अभी तक मेरे पैर दर्द हो रहे हैं। और कल आर्म्स का सेशन था तो आर्म्स भी सोर हो रखे हैं भाई, ये ट्रेनिंग तो चाहिए थी, पूरे सब बॉडी सोर हो चुकी है। आज शोल्डर्स का प्लान है कि शोल्डर्स करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं उठा ही था, 11:30 बज रहा है अभी। अभी मेरे को नाश्ता करना है, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगा। तो अभी मैं फिजिक्स पढ़ के उठा हूँ और आपसे जो बात करनी थी मैं बताता हूँ जब चालू करता हूँ। तो काफ़ी बिगनर्स को ये बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या फिर समझ लो एक डाउट होता है सप्लीमेंट्स को लेके। और सबसे और अभी जो मार्केट में सबसे प्रचलित सप्लीमेंट चल रहा है वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। वे प्रोटीन का तो तुमको बेसिक आइडिया पता ही होगा तुम सबको कि डाइट के जब डाइट से हम प्रोटीन नहीं कवर कर पाते हैं उतना, तो हम लोग उसको सप्लीमेंट करते हैं वे प्रोटीन से। ऐसे ही क्रिएटिन है। तो क्रिएटिन अब होता क्या है? अब क्रिएटिन की पूरी साइंस मैं पूरी डीप में नहीं बताऊंगा, मैं बस उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। एक क्रिएटिन एक नेचुरली प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है जो हमारी मसल जब वर्क करती है तब वो प्रोड्यूस करती है। प्रोड्यूस क्या करती है? जब मसल्स को वर्क करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी पता होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जो क्रिएटिन होता है वो एक सोर्स होता है एनर्जी का जो हमारी मसल्स यूज़ करती हैं ताकि वो वर्क कर सके। अब मसल जो फाइबर जब भी स्टिमुलेट होते हैं ना, तो उनको या तो एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से या तो मिलती है जब एनरोबिक रेस्पिरेशन से, ठीक है। और तीसरा जो होता है, मतलब तीसरा सोर्स होता है, वो होता है क्रिएटिन फॉस्फेट। तो एज इंडियंस हम लोगों की जो डाइट होती है वो वेजिटेरियन होती है मोस्टली, और कुछ लोग का जो क्रिएटिन लेवल होता है ना वो बेसिक इस डाइट से कंप्लीट नहीं हो पाता है। जबकि कंपेयर करो तो अगर किसी वेस्टर्न डाइट की, तो उसमें रेड मीट हो गया और जितने भी नॉन वेज दोनों खाते हैं तो उसमें क्रिएटिन कवर हो जाता है, मोस्टली कवर हो जाता है। लेकिन तभी उन सप्लीमेंट करते हैं ताकि, मतलब जैसे कि अब तुम कंपेयर कर सकते हो उसको गुड क्वालिटी प्रोटीन और बैड क्वालिटी प्रोटीन से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वीगन जो होते हैं वो लोग उसको सप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी उतना क्रिएटिन नहीं बना पाती है फ्रॉम वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेज डाइट से भी। यार तुम कॉर्न रोज, तुम सालमन खा रहे हो भाई, यहाँ पे इतना महंगा मिलता है वैसे भी। तो क्रिएटिन की मतलब यही साइंस थी। और क्रिएटिन वर्क क्या करता है कि तुम्हारी जो बॉडी में मसल मास होता है ना, मसल मास पर वो वाटर रिटेंशन बढ़ाता है जिससे तुम्हारी मसल्स फुलर दिखती है और क्या कहते हैं टाइट टाइट दिखती है, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको कटिंग पे लो ना, मैं उस पर भी आता हूँ, बात करता हूँ उस पर भी। क्रिएटिन का ये फंक्शन होता है कि एज़ तुम्हें मैंने बताई दिया कि क्रिएटिन एनर्जी के फॉर्म में हमारी मसल्स को एटीपी प्रोवाइड करता है ताकि मसल्स वर्क कर सकें। तो एटीपी क्रिएटिन हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने में भी हेल्प करता है। साथ ही मेरे एक्सपीरियंस पे, तो मैंने क्रिएटिन लेना चालू किया था मार्च में, जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म हुए थे तो मैंने पहला क्रिएटिन अपना लिया था। तो क्रिएटिन लेते हुए मुझे अराउंड 6 महीने हो चुके हैं, और एक मिनट 6 महीने हो चुके हैं, मार्च के मिड में लेना चालू किया था। तो 6 महीने में मेरे को जो लगे हैं वो अभी दिखा दे रहा हूँ कि ये फ़ोटो तुम्हें लग रही होगी मार्च की है और ये फ़ोटो मेरी अभी रिसेंटली मैंने पिक की थी। अब ये बात आती है कि क्रिएटिन को हम लोग कब कब ले सकते हैं और कौन कौन ले सकता है। तो क्रिएटिन के पहले मैं हेल्दी एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आपके पहले से, मतलब बहुत सारे मिथ्स होते हैं ना मार्केट में चलते हैं, क्रिएटिन लेने से किडनी ख़राब हो जाती है, हेयर फॉल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एज सच आपके पास से कोई क्रॉनिक डिसीज़ ना हो किडनी की, अगर आपके पास आपको पहले से किडनी की दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो कि आपको क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और बात रही हेयर फॉल की, तो हेयर फॉल पार्शियली डिपेंडेंट होता है आपकी जेनेटिक्स पे और क्रिएटिन से उसका उतना लेना देना नहीं है। देख सकते हो बाल मेरे वैसे ही हैं, वैसे के वैसे ही हैं। क्रिएटिन दोनों मैन एंड वुमेन दोनों ले सकते हैं। एंड और अगर आपने अभी जिम चालू किया तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले 3-4 महीने अच्छे से जिम करके अपनी मसल्स को स्टिमुलेट करिए, उतना मसल बिल्ड करिए, थोड़ी बहुत मसल फाइबर ग्रो करिए, तब जाके आप क्रिएटिन इन लोड करना चालू करिए। और उसकी सेफ रेंज होती है 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम्स पर डे।
मैं 3 ग्राम देता हूँ, और आपको उसके मतलब जब आप क्रिएटिनिन चालू करेंगे तो आपको पानी का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, 4 से 5 लीटर पानी पीना ही पड़ेगा आपको रोज़। और मतलब आपको हाइड्रेटेड रहना, ये नहीं ज़रूरी, ये नहीं है कि आप औकात से ज़्यादा पानी पी ली तो हम ब्लोटेड ही रहें, ऐसा नहीं है। तो यही था इसका पॉइंट। और कटिंग में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस पर मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है कि ज़रूर लो, क्योंकि भाई साहब जब से मैंने क्रिएटिन लेना चालू किया है तो मेरी स्ट्रेंथ ऊपर गई है, मसल मास रिटेंशन बढ़ गया है। और क्या होता है ना कि जब तुम फैट लॉस करते हो तो अनकॉन्शियसली और अनइंटेंशनली तुम्हारी मसल लॉस होती ही होती है, चाहे तुम कितना भी ट्राई कर लो मसल रिटेंशन का नहीं होता है, कुछ परसेंट मसल कम होती है। क्रिएटिन लेने से ये फ़ायदा हुआ है कि जो मसल रिटेंशन का जो रेट होता है ना वो कम है, मसल लॉस हुआ लेकिन बहुत कम रेट से मसल लॉस हुआ। क्योंकि तुम देखोगे जब मार्च में मेरी मसल डेफिनेशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैं ऑन द वे था फैट लॉस के तो मसल रिटेंशन हुआ मेरा, और जो मेरी मसल का डेफिनेशन थी वो और इम्प्रूव हो गई। जैसे तुम शोल्डर वाली पिक होगी मैं वो दिखा दूंगा, उसमें शोल्डर देखो और पहले वाले शोल्डर देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्रिएटिन ज़रूर लो, कटिंग में हो बल्किंग में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्रिएटिन इज़ द बेस्ट सप्लीमेंट और मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, और इसका मोस्ट रिसर्च फॉर्म है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो बस यही था क्रिएटिन का ज्ञान, और अभी तो जाता हूँ मैं अपना शेक बनाता हूँ, पहले वही वाला कहते हैं स्मूदी, और उसमें कुछ 550 कैलरी होती है, पिछले वीडियो में मैं भूल गया डालना, उसमें 550 कैलरीज मिल जाती है और कुछ अराउंड 35 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। तो मैं उसको बनाता हूँ, फिर आज शोल्डर डे सीधा जिम में मिलेंगे। प्रोटीन, वी आर रेडी फॉर द जिम, निकलते हैं। और पहली एक्सरसाइज मोस्ट प्रोबेबली आज होने वाली है हमारी शोल्डर प्रेस, मिलते हैं डायरेक्ट उसी पे। जो It's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just let your mind loose from the new stock. Drunk off the goose. Yeah. Thinking that I'm too pop. Yeah. Getting caught with a few thoughts. Cause I'm too lost. Off the speakers can't even handle me. Even what I got, nobody's gonna drain my energy. And I will never stop. I'm motivated by enemies. Setting up shop so everybody remember me. And now I am not going through life regretfully. I'd rather work non-stop, what they call incessantly, then work some odd job just to live life pleasantly. Already got lost in my mind, not a fantasy. I'm getting a forgotten soul, so stop dropping, roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fall, I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock, she holds it, shit, talk to close. I ain't stopping though, it's hip-hop, you know. Or is it rock and roll? I'm not dropping tone, no, my pockets grow. You can't stop the show, so get rocking on. So let me break it all down for you. Here we are. नहावा लिया है और यहाँ पे आज रूम पे पोजिंग नहीं की मैंने, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था, और अगर पोजिंग करने बैठते तो कम से कम 15 मिनट तो लग ही जाते, और ठंडी का मौसम भी आ रहा है तो रिक्स है भाई बीमार होने का, इसलिए मैं रिक्स नहीं लूँगा। तो बस अभी ये प्री पोस्ट वर्कआउट मील इंजॉय करते हैं, वही एज ऑलवेज एक सैलड होता है मेरा पनीर वाला, तो उसको कम्प्लीट करते हैं, खाते हैं पूरा। और आज के ब्लॉग में इतना ही, और अगर इस ब्लॉग से कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा ब्लॉग लगा और ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी कि हेल्प करेगा आपको, तो अपने एक दोस्त को शेयर करना इसको ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन कीप ग्राइंडिंग, कीप पुशिंग, बाय बाय।